दौलतपुर नामक गांव में भव्या अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, हर कोई खुश था और अपनी अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन भव्या की जिंदगी में किसी की नजर लग जाती है और एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता उससे बिछड़ जाते हैं और वो इस दुनिया में अकेली रह जाती है। इस गम के बाद भव्या का अपना कोई नहीं था जिससे वो अपनी परेशानियां शेयर कर सके। इसके बाद उसके चाचा चाची उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन उसके चाची की भी अपनी बेटी थी सोनल। भव्य दिखने में बहुत सुंदर थी और साथ ही साथ उसके सुंदर घने लंबे बाल उसके खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। भव्य की चाची भव्य के चाचा के सामने हमेशा सीधी रहती थी, लेकिन भव्य के चाचा शहर में काम किया करते थे और अब वो जब काम के सिलसिले से बाहर जाया करते थे तो भव्य की चाची भव्य पर बहुत अत्याचार करती थी, क्योंकि भव्य की सुंदरता उनसे देखी नहीं जाती थी, क्योंकि उसकी बेटी दिखने में कम सुंदर थी और साथ ही साथ उसके सर पर बाल भी कम थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। भव्य और सोनल दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है और दोनों ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ अपने अपने खिलौने शेयर करते थे और खूब अच्छे से खेला करते थे। लेकिन ये बात उसकी चाची को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी उसकी चाची आती है और सोनल को डांटती है। तुम दोनों यहाँ पर खेल रही हो और मैं घर का काम संभाल रही हूँ। अरे तुम दोनों कम से कम अपने बालों का ही ख्याल रख लिया करो। भव्या, तुम जिस तरीके से अपने बालों की केयर करती हो वैसे ही सोनल के बालों की भी किया करो, ताकि तुम्हारी बहन के बाल भी बहुत सुंदर हो जाए और साथ ही साथ काले घने भी हो जाए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। माँ, अभी हम थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद हम अपने अपने बालों में तेल लगाएंगे। जी चाची, मैं सोनल के तेल लगा दूंगी और सोनल मेरे। ये सब बातें करने के बाद दोनों बच्चियां खेलती है और फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे के तेल लगाती है। दोनों में इतना प्यार होता है कि दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छे से केयर करती है। लेकिन भव्य की चाची हमेशा ही अपनी बेटी को सजाने संवारने में लगी रहती है, ताकि समय आने पर उसकी शादी अच्छे लड़के से हो जाए। और भव्य की चाची हमेशा भव्य के लिए एक कठोर दिल रखा करती थी, जिसमें भव्य के लिए किसी भी तरह का कोई प्यार नहीं था। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों बहनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी और दोनों ही अपने अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स के साथ पास हुआ करती थी और दोनों ही अपने स्कूल एक साथ जाया करती थी और एक साथ आया करती थी। अब दोनों का स्कूल कंप्लीट हो चुका था और दोनों ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पढ़ाई कर रही थी। समय बीतने के साथ साथ भव्या बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है और उसके इस कठिन परिश्रम का फल उसे मीठा मिलता है और उसका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। लेकिन ये बात उसकी चाची को जैसे ही पता चलती है, उसकी चाची तिल मिला जाती है। सुन सोनल, तुझे मैं इस भव्य से ज्यादा चीजें ला कर देती हूँ पढ़ने के लिए, ताकि तू पढ़ लिख कर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। लेकिन तुझसे वो भी नहीं हुआ। मैंने तुझे कई बार समझाया है कि तुझे भव्य से हर एक कदम आगे रहना है। तुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस हो तो मुझे बता, मैं तेरे लिए वो करूँगी। लेकिन तू मेरा नाम रोशन करने के लिए हमेशा ही उससे आगे रहेगी, ये मुझसे वादा कर। और उसकी चिंता मत कर, मैं उसका रास्ता जैसे तैसे करके जल्द से जल्द साफ करवाऊंगी और उसे यहाँ से शादी करवा कर भेज दूंगी। माँ, अब भव्य के लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? अगर वो पढ़ लिख कर इतने अच्छे नंबर लाई कि उसका कॉलेज में एडमिशन हो सका तो वो उसकी किस्मत है। लेकिन आप मुझे ऐसे बार बार उनके लिए मत भड़काया करो। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरी सगी बहनों की तरह है। सोनल की माँ सोनल को आगे बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाती है, लेकिन सोनल भव्य के मुकाबले पढ़ाई में पीछे ही रह जाती है, साथ ही साथ बाकी कामों में भी। लेकिन भव्य एक बहुत समझदार लड़की थी। वो एक बार जो चीज पढ़ ले उसे वो तुरंत याद हो जाया करती थी और इसी बात के चलते सोनल की माँ अपने पति से भव्य की शादी की बात करती है।
देखिए अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और साथ ही साथ दोनों की पढ़ाई भी कॉलेज में शुरू हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि भव्य को भी समय से कोई अच्छा लड़का मिल जाए और उसकी शादी हो जाए ताकि वो भी अपने घर जा सके। आप उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो क्योंकि अब हम कब तक उसको घर पर ऐसे ही बिठाएंगे। ठीक है, मैं अपने दोनों बच्चियों के लिए लड़का ढूंढ लूंगा। जिसके लिए भी बात फिक्स होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। और अच्छा ही है कि बच्चियां टाइम से अपने अपने घर पहुंच जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भव्य के शादी के लिए तुम जल्दी मचा रही हो। तुमने पूरी बात में एक बार भी ये नहीं कहा कि सोनल की शादी के लिए भी लड़का देख लो। लेकिन खैर, मैं तो दोनों के लिए ही देखूंगा। सोनल के पिता दोनों लड़कियों के लिए रिश्ता देखने जाता है। सोनल के पिता जहाँ भी रिश्ता देखते हैं वहाँ पर सोनल के लिए ना हो जाती है और भव्य के लिए हाँ हो जाती है। और फिर सोनल का पिता घर पर आकर बताता है, भाग्यवान मैंने अपनी दोनों बच्चियों के लिए रिश्ते देखे, लेकिन सोनल की हाइट कम होने की वजह से सोनल के लिए हर जगह से मना हो गया और भव्य के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। भव्य के होने वाले पति का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और तो और उसके घर में काम करने वाली नौकरानियां भी लगी है। मैंने एक हफ्ते बाद उन्हें घर पर बुलाया है। सोनल की माँ ये बात सुनकर बहुत गर्म हो जाती है क्योंकि भव्य को एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता मिल जाता है, एक ऐसा घर जहाँ पर उसकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन भव्य की चाची हर बार की तरह भव्य की जिंदगी सवरती हुई देखने से जलकर राख हो जाती है। आखिर इसने ऐसे कौन से काम किए हैं जो इसकी किस्मत में सारी चीजें अच्छी लिखी है। भगवान ने इसे सुंदरता भी दी है और अच्छे बाल भी दिए हैं, अच्छी हाइट भी दी है और लड़के भी इसे ही पसंद करते हैं। ऐसा क्या है इसमें जो मेरी बेटी में नहीं। लेकिन मेरे पास अभी एक हफ्ते का वक्त है, मैं कैसे भी करके भव्य को इस रिश्ते के लिए मना करने के लिए बोलूंगी। सोनल की माँ भव्य के पास आती है और कहती है, बधाई हो मेरी गुड़िया रानी, मैंने तुम्हारे चाचा को तुम्हारे लिए रिश्ता देखने के लिए कहा था और तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा परिवार मिला है, लेकिन सुनने में आया है कि लड़का कुछ भी नहीं करता, जो है वो उसके पिता का है। क्या ऐसे घर में तुम अपना रिश्ता करवाओगी? चाची जी, मुझे अभी किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले पढ़ लिख लूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, उसके बाद मैं शादी करूँ। आप चाहो तो सोनल की शादी कर दो, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, और खासकर लड़का कमाता हो तो मैं कुछ मानूंगी। भव्य के ना सुनने के बाद भव्य की चाची बहुत खुश हो जाती है और ये बात जाकर अपने पति को बता देती है। और ये सब बातें सुनने के बाद उसका पति उससे कहता है, मुझे लगता है भव्य को शायद कोई गलत फहमी हो गई है, मैं उसे खुद पर्सनली बात करूंगा, वो जरूर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। भव्य के चाचा भव्य को सब कुछ सही सही बताती हैं, जिसके बाद भव्य बहुत खुश होती है। भव्य अपने जिंदगी में कभी भी सुख नहीं देखी, जिसकी वजह से उसको अपना भविष्य अच्छा दिखता है और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में अब सुख की आशा हो जाती है। चाचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता देखा। अब मेरा भी अपना एक घर होगा जहाँ मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकूंगी। भव्य को इतना खुश देखकर भव्य की चाची से रहा नहीं जाता और वो भव्य को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचती है। मैं आज ही कॉस्मेटिक जाऊंगी और एक्सपायरी क्रीम उठा लाऊंगी, जिसे लगाने के बाद भव्य के चेहरे की सुंदरता बिगड़ जाएगी, फिर ये कभी भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। भव्य की चाची कॉस्मेटिक से दो क्रीम उठाकर लेकर आती है और अपनी दोनों बच्चियों को वो क्रीम देती है। अपनी सगी बेटी सोनल को वो अच्छी क्रीम देती है और भव्य को वो एक्सपायरी क्रीम देती है। दोनों ही लड़कियां बहुत खुश होती है और रात को वो क्रीम लगाकर सो जाती है। रोजाना की तरह जब वो सुबह उठती है तो अपने बालों को संवार रही होती है कि तभी भव्य अपना चेहरा देखकर डर जाती है। चाचा, मेरे चेहरे पर ये क्या हो गया? जरा गौर से देखो, आज तक तो मेरे चेहरे पर कभी ऐसे दाने नहीं आए। इनमें बहुत ज्यादा जलन हो रही है और मेरा चेहरा बदसूरत हो चुका है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अब मुझे लगता है मेरी शादी भी कैंसिल हो जाएगी। मैं कैसे अपने चेहरे को ठीक करूं? प्लीज मुझे बताओ ना, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूं। क्रीम तो मैं भी लगाई थी लेकिन मेरी क्रीम से तो मुझे कुछ नहीं हुआ। लाओ मैं तुम्हारी क्रीम की एक्सपायरी डेट देखती हूँ। बेटा, क्रीम से कुछ नहीं हुआ है, मैं भी तो सोनल की क्रीम लाई हूँ। सोनल क्रीम की एक्सपायरी डेट देखती है और कहती है,
अरे ये तो एक्सपायरी डेट की क्रीम है माँ, आपको सही से एक्सपायरी डेट देख कर लानी चाहिए थी। मेरी क्रीम में डेट बहुत आगे की है, लेकिन भव्य की क्रीम बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी है, तो ये सब तो होना ही था ना। सोनल तुम कैसे भी करके जाओ और उस कॉस्मेटिक वाली से मेरे लिए कोई अच्छी सी क्रीम लेकर आओ जिससे मेरे को आराम मिल सके, या फिर तुम मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बेटा कुछ नहीं होगा, तुम मुंह पर बर्फ लगा लो, तुझे आराम मिल जाएगा। सोनल की माँ भव्य को जैसे तैसे करके घर में रोक लेती है और क्रीम के एक्सपायरी की वजह से भव्य के पूरे चेहरे पर दाने ही दाने हो जाते हैं और दाग धब्बे पड़ने लगते हैं, जिस कारण भव्य बिल्कुल बदसूरत दिखने लगती है। और ये सब देखकर भव्य जोर जोर से रोने लगती है और अपने चाचा को कॉल करती है और कहती है, चाचा जी मेरे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हो चुके हैं, आप चाहो तो एक बार लड़के वालों को सामने से दिखा दो ताकि उन्हें अगर कोई कमी निकालना हो तो वो पहले ही निकाल ले, क्योंकि बाद में मैं नहीं सुन पाऊंगी। और मुझे तो लगता है मेरी किस्मत ही नहीं है उस घर में जाने की, क्योंकि तभी मेरा चेहरा बदसूरत हो गया। नहीं बेटा, शक्ल सूरत से थोड़ी प्यार होता है, लड़का तुम्हें पसंद करता है और वो तुमसे जरूर शादी करेगा। चाचा के समझाने पर भव्य समझ जाती है और अपने चेहरे को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें लगाती है, लेकिन उसका चेहरा वैसा का वैसा ही रहता है। फिर कुछ दिन बाद वो दिन आ ही जाता है जब लड़के वाले भव्य को देखने के लिए उसके घर आते हैं। भाई साहब, जैसी लड़की आपने हमें दिखाई थी ये लड़के वैसे तो नहीं है, अगर मैं दाग धब्बे वाली लड़की से शादी करवाऊंगी अपने बेटे की तो मैं अच्छा खासा दहेज भी लूंगी, क्या आपके पास मुझे देने के लिए चार पहिए की गाड़ी है? मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसको पढ़ाया लिखाया है, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन जो हर माँ बाप देते हैं उतना मैं भी दे सकता हूँ। चार पहिए की गाड़ी मेरे पास दहेज में देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको मेरी बेटी पसंद है तो आप उसके बदले में दहेज की बातें क्यों कर रही हैं? नहीं, मुझे जो लड़की पसंद थी वो बहुत साफ सुथरी थी और बहुत अच्छी थी, जिसको देखकर मैं पहली बार में अट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये वो लड़की नहीं है और मैं इसे शादी नहीं करूँगा, ये तो बिल्कुल बदसूरत लड़की है। लड़के की माँ और लड़के की बातें सुनकर भव्य रोने लगती है और रोते रोते घर के बाहर चली जाती है। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है, जहां जाकर वो अपनी सारी बातें बड़बड़ा रही होती है कि तभी उसे एक सोन परी मिलती है। मैं एक सोन परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आई हूँ, मुझे पता है कि तुमने हमेशा ही लोगों का अच्छा करना चाहा, लेकिन लोगों ने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा किया, और ये सब किसी और ने नहीं, ये तुम्हारे चाची ने तुमसे जलन में आकर किया है। मुझे पता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं परी हूँ, मैं सब जानती हूँ। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई फेस वॉश देना चाहती हूँ जिसे लगाकर तुम रातों रात ठीक हो जाओगी और पहले जैसी सुंदर दिखने लगोगी। थैंक यू परी जी, आपने मुझे फेस वॉश दिया, लेकिन इस फेस वॉश का तभी कुछ फायदा होगा जब ये मेरे सारे दाग धब्बे और जलन खत्म कर देगा, आपकी इस मदद के लिए शुक्रिया। भव्य अपने घर जाती है और उस फेस वॉश को यूज करती है और फिर थोड़ी देर बाद सो जाती है। सुबह उठकर जब भव्य अपने बाल ठीक करने लगती है तो वो शीशे में अपने चेहरे को देखती है और बहुत खुश होती है, जिसके बाद भव्य का चेहरा पहले से और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है और भव्य बहुत सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, ये तो जादुई फेस वॉश से सब कुछ ठीक हो गया और अब मैं पहले से भी सुंदर दिखने लगी। भव्य को इतना झूमता हुआ देखकर उसकी चाची उससे बहुत चिढ़ती है और गुस्से से कहती है, इतनी खुशी से नाचने का क्या फायदा है, तेरा रिश्ता तो कैंसिल हो गया ना, जहाँ इतना सब कुछ तुझे मिलने वाला था। चाची ये खुशी ही तो है, कम से कम मैं उस भिखारी के घर में जाने से बची जो अमीर होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन हमसे भी ज्यादा गरीब थे। तभी चाचा कहते हैं, हाँ बेटी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ चाचा चाची, ऐसे घर में मेरा जाने का क्या फायदा होता जहाँ पर दहेज की वैल्यू है मेरी नहीं। हाँ मैं वैसे भी अपनी बच्चियों का पालन पोषण अच्छे से करना चाहता हूँ, मुझे किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, वो तो मैं तेरी चाची की बातों में आकर तेरे लिए रिश्ता देखने लग गया था। भव्य को पता चल जाता है कि उसके रिश्ते के लिए जल्दी मचाने वाली उसकी चाची होती है
और भव्य को परी द्वारा भी पता चलता है कि उसके चेहरे पर दाग धब्बे देने वाली उसकी चाची ही थी। अब भव्य सब जानती थी, परंतु इसने ये बात किसी से नहीं बताई और भव्य एक समझदार बच्ची की तरह अपने घर में काम संभालने लगती है और अपने आप की भी देखभाल करती है, साथ ही साथ अपने चाचा के काम में हेल्प करती है और इसके चलते भव्य अपनी जिंदगी को बहुत हंसी खुशी जीने लगती है और उसे कुछ समय बाद एक अच्छा लड़का मिलता है जिससे भव्य की शादी हो जाती है और भव्य हंसी खुशी वहाँ पर अपना जीवन जीने लगती है। जादुई लहंगा रेस्टोरेंट। बहुत समय पहले की बात है, कानपुर जिले के बलिया गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में सीता अपने पिता रामू और माँ लक्ष्मी के साथ रहती थी। उन लोगों का परिवार बहुत गरीब था, जिस कारण लक्ष्मी लोगों के घरों में नौकरानी का काम किया करती थी। वहीं सीता के पिताजी के पढ़े लिखे ना होने के कारण वो जंगलों में लकड़ी काटने का काम किया करते थे। सीता गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार भी थी। सीता को सिलाई बुनाई का शौक था, इसलिए वो स्कूल से आकर सिलाई मशीन पर प्रैक्टिस किया करती थी। स्कूल टाइम में ही सीता को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिजाइनर लहंगे सिलने आ गए थे, जिस कारण गांव वाले सीता से ही लहंगा सिलवाना पसंद करते थे। पूरे गांव भर में सीता के पास इतने ऑर्डर हो जाते थे कि उसे पढ़ने लिखने का टाइम ही नहीं मिलता था। इसी तरह से दिन निकल रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा काम कितना चलने लगा है कि मुझे पढ़ने लिखने का समय ही नहीं मिलता। अरे सीता बहन, मुझे तुमसे एक लहंगा सिलवाना था। वो आने वाले 10 तारीख को मेरी बहन की सगाई है, क्या तुम मेरे लिए एक डिजाइनर लहंगा सिल दोगी? हाँ, मैं बना तो दूंगी डोली बहन, परंतु काफी समय लग जाएगा। मेरे पास पिछले कई सारे ऑर्डर है, अगर हो सके तो कहीं और से बनवा लो। अरे यार क्या सीता, तुम तो बहुत भाव खाने लगी हो, अब तुम पहले जैसी नहीं रही। जाने दो, मैं कहीं और से बनवा लूंगी। ये बात जाकर सीता अपनी माँ को बताती है। माँ, मैं हर एक चीज से परेशान हूँ, लोग मुझसे ही लहंगा बनवाना चाहते हैं, जिस वजह से मुझे पढ़ना तो दूर सोने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा। ये तो अच्छी बात है, जो तुम्हारे पास इतनी अच्छी कला है लहंगे सिलने की, तो तुम्हें कहीं और नौकरी करने की क्या जरूरत है? घर पर रहकर ही अगर तुम्हें काम मिल रहा है तो तुम्हें यही करना चाहिए। नहीं माँ, मैं केवल गांव तक सीमित नहीं रहना चाहती, मैं अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा सिलकर मिस इंडिया बनना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं शहर वालों से कॉम्पिटिशन कर पाऊंगी। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए तुम अपने नानी के घर चली जाओ, वहाँ जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम अपने जीवन के फैसले भी ले पाओगी। हाँ, ये आपने सही कहा, मैं कल सुबह ही नानी के घर के लिए निकल जाऊंगी। इसके बाद वो लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह उठते ही सीता तैयार होकर नानी के घर के लिए रवाना हो जाती है। सीता अपना थैला लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है। ट्रेन को आने में बहुत वक्त लग रहा था। सीता बैठे बैठे बोर हो रही थी कि तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, हेलो सीता, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, क्या तुम मुझे जानती हो? परंतु मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अरे मैं डिंपल हूँ, कई सालों पहले तुमने मेरे लिए ये लहंगा बनाया था, देखो आज तक वो लहंगा फटा नहीं है और नए की तरह चमक रहा है। ओह थैंक यू, क्या तुम कहीं बाहर घूमने जा रही हो? मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, लगता है तुमने सुना नहीं, शहर में मिस इंडिया फैशन शो की तैयारी चल रही है, मैं वहीं जा रही हूँ मिस इंडिया बनने के लिए पार्टिसिपेट करने। ये बात मैंने भी अखबार में पढ़ी थी, क्या मैं भी इसमें हिस्सा ले सकती हूँ? वहाँ सारे पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाली लड़कियाँ आ रही है, उस जगह पर तुम जैसे 10वीं पास लड़की का क्या काम? तुम यही गांव में रहकर दूसरे के लहंगे सिलो, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। ये सुनकर सीता को गुस्सा आ जाता है। सीता उस लड़की की बात से चिढ़कर नानी के घर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। वो शहर के लिए ट्रेन पकड़ लेती है। सीता उस लड़की को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है। तभी सीता की नज़र रिसेप्शन में खड़े एक नौजवान पर पड़ती है। सारे नौजवान और खूबसूरत लड़कियाँ जो मिस इंडिया बनने के लिए आई थी, वो उनसे कहता है,
जो भी लड़का या लड़की सबसे सुंदर व डिजाइनर लहंगा पहनकर सुंदर सा मेकअप करके स्टेज पर अच्छी परफॉर्मेंस देगा, हम उसे ही मिस इंडिया बनाएंगे। जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है अपनी ज्वाइनिंग फीस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर दे। सभी लोग उस नौजवान की बात मानकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर सीता भी आ जाती है और उन लड़कियों से कहती है, क्या मैं भी मिस इंडिया बनने के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हूँ? अरे तुम यहाँ भी आ गई? ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ी है जो तुम भी कर लोगी। इसके लिए महंगे मेकअप और डिजाइनर लहंगे की जरूरत है। इस तरह उन लड़कियों ने सबके सामने सीता का मजाक उड़ाया और उस पर हंसने लगी। सीता चुपचाप वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है तो सीता अपने पास जमा रुपयों से ज्वाइनिंग फीस भर देती है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल कर देती है। इसके बाद सीता वापस अपने गांव चली जाती है। इन सबको मैं सबसे अच्छा लहंगा सिलकर दिखाऊंगी और मिस इंडिया का खिताब मैं अपने नाम कर लूंगी। इतना सोचकर सीता ने मिस इंडिया बनने का प्रण ले लिया। सीता रास्ते से अपने लिए महंगा कपड़ा लेकर आई थी। उस दिन से ही सीता ने यूट्यूब से देखकर अच्छी अच्छी नए डिजाइन सीखना शुरू कर दिया और मेकअप की टिप्स भी लेने लगी। अब सीता दिन रात मेहनत करके अपने लिए डिजाइनर लहंगा तैयार कर रही थी। इस बीच सीता ने गांव वालों का काम लेना भी बंद कर दिया और केवल अपने उसी लहंगे पर काम कर रही थी। पूरे 8 दिनों की मेहनत के बाद सीता ने अपने लिए सुंदर डिजाइनर लहंगा बनाकर तैयार कर लिया। सीता का वो लहंगा इतना सुंदर और आकर्षक था कि उसके बनने के बाद गांव-गांव तक उसकी चर्चा होने लगी। ये सब बात जब डिंपल को पता चलती है तो वो सीता का लहंगा देखने उसके घर पहुंच जाती है। हेलो सीता, मैं तुम्हारे गांव से होकर गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलती हुए जाऊं। हाँ आओ डिंपल, अंदर आ जाओ। इसके बाद डिंपल बातों बातों में सीता का वो लहंगा देखने उसके कमरे तक चली जाती है। डिंपल इतना सुंदर और आकर्षक लहंगा देखकर हैरान रह जाती है और अंदर ही अंदर जलने लगती है। वाह सीता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने उस दिन तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया। तुम्हारे इस लहंगे को देखकर तो लगता है कि तुम ही मिस इंडिया बनने वाली हो। इस तरह डिंपल सीता की झूठी मोटी तारीफ करके वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर भी डिंपल को सीता का वो लहंगा याद आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर सीता को जीतने नहीं देना चाहती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद सीता के मन में एक भयानक आइडिया आता है और डिंपल अपना मुंह ढककर अंधेरे में घर से बाहर निकल जाती है। डिंपल लोगों की नजरों से बचकर सीता के घर में घुस जाती है और उसका वो डिजाइनिंग लहंगा चुरा लेती है। डिंपल उस लहंगे को पहनकर कंपटीशन में नहीं जा सकती थी, इसलिए वो उसको नदी में बहाकर खराब कर देना चाहती थी। डिंपल ऐसा ही करती है और वो लहंगा नदी में डाल देती है। ऐसा करके डिंपल को बहुत खुशी होती है और वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब सीता उठती है तो देखती है कि उसका वो लहंगा उसके कमरे में नहीं है। ये देखकर सीता जोर जोर से रोने लगती है। सीता को रोता हुआ देखकर उसके माता पिता भी उसके कमरे में आ जाते हैं। सीता रोते हुए सारी बात अपनी मम्मी पापा को बताती है तो वो दोनों भी उदास होते हैं और सीता के लहंगे के गायब हो जाने की खबर को सुनकर हैरान रह जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी सीता, पता नहीं किस कमबख्त ने तुम्हारी खुशियों को नजर लगा दी और वो लहंगा चुरा लिया। परंतु तुम चिंता मत करो, तुम बिना लहंगे की भी बहुत सुंदर और खूबसूरत दिखती हो। तुम कल अपने किसी पुराने लहंगे को पहनकर ही कंपटीशन में चली जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मिस इंडिया बनकर ही लौटोगी। अपनी माँ की बातों को सुनकर सीता को थोड़ा साहस मिलता है और वो अपने दुख को कम करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। सीता मन की शांति के लिए नदी किनारे पहुँच जाती है। सीता चाहकर भी अपने उस लहंगे को भुला नहीं पा रही थी क्योंकि उसने उस लहंगे को तैयार करने के लिए रात दिन की मेहनत की थी। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने आज तक किसी का कभी बुरा नहीं किया और लोगों की सदैव मदद की,
परंतु अब जब मेरा मिस इंडिया बनने का सपना पूरा होने वाला था तो किसी ने मेरा लहंगा ही चुरा लिया। कृपया मेरी मदद करो और मेरा वो लहंगा लौटा दो। सीता को इस तरह रोता देख नदी की देवी वहाँ प्रकट हो जाती है और सीता से कहती है, घबराओ मत सीता, मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुन ली है। मैं तुम्हारा वो लहंगा तुम्हें लौटा सकती हूँ। ये लो, ये रहा तुम्हारा लहंगा जो कल रात डिंपल मेरी नदी में फेंक कर चली गई थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम मिस इंडिया बनो, इसलिए उसने ये लहंगा चुरा कर मेरी नदी में डाल दिया था। तुम एक ईमानदार और नेक दिल लड़की हो। तुम्हारा इतना नुकसान होने के बाद भी तुमने किसी को भला बुरा नहीं कहा और केवल मुझसे प्रार्थना की। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे इस आम लहंगे को जादुई लहंगा रेस्टोरेंट में बदल रही हूँ। कल जब तुम इस लहंगे को पहनोगी तो तुम अपने आप बहुत सुंदर और खूबसूरत हो जाओगी। साथ ही साथ ये लहंगा तुम्हें खाने पीने की चीजें भी उपलब्ध कराएगा, जिससे भविष्य में तुम्हें कभी खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी और तुम इस लहंगे के द्वारा दिए हुए खाने को लोगों में भी बांट सकोगी। तुम कंपटीशन के बाद ये लहंगा उतार कर किसी खाली स्थान पर रख देना। इसके बाद ये लहंगा एक जादुई लहंगा रेस्टोरेंट में बदल जाएगा और इससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और तुम अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिता पाओगी। ये सुनकर सीता बहुत खुश होती है और नदी की देवी का धन्यवाद देती है। अगले दिन सीता जब वो लहंगा पहनकर कंपटीशन में जाती है तो उससे सुंदर कोई भी नहीं दिख रहा होता और देखते ही देखते वो चुटकियों में सभी ऑडियंस का दिल जीत लेती है। जजेस भी ये देखकर सीता को मिस इंडिया की ट्रॉफी दे देती हैं। इस तरह सीता का वो सपना हंसी खुशी से पूरा हो जाता है। सीता घर आकर वो लहंगा उतार देती है और एक खाली स्थान पर रख देती है। नदी की देवी के कहे अनुसार वो लहंगा एक रेस्टोरेंट में बदल जाता है। सीता के परिवार वाले जब लहंगे के रेस्टोरेंट में अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो लहंगा रेस्टोरेंट तो अंदर से बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है। ये देखकर उन सभी की आंखें खुशी से भर जाती है और वो अपने आगे का जीवन उस लहंगा रेस्टोरेंट में ही बिताती हैं और खुशी खुशी रहते हैं।